जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाए, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हेलो जी जहरा जी। हाय हाय साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीम यार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना हैं? जी आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। I belong to India from Mumbai. अच्छा, नहीं ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। और ये हमको खुशी हुई कि शिया हजरात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, तो बिल्कुल, क्या बात बिल्कुल। करना चाहती आप, आपकी एक्चुअली साहिल मुझे ये बात करनी, बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है, आई टेल यू वेरी लाइक मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माई फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 to 5 years कि मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ, राइट। दे आर लाइक, मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ मजलिस है, नमाज है। साल में लाइक दे गो ऑन उमरा ऑल्सो, लेकिन जैसे आपको पता होगा शिया लोग ज्यादा जियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो बेसिकली इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज्यादा है, एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट। तो एक्चुअली या तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था, इफ आई टेल यू वेरी फ्रेंकली। तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानू, और मैं हमेशा डिफेंड करती थी, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके। तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम को, यू नो, लाइक इस्लाम इज रियली द राइट रिलीजन। और एक्चुअली आई यूज टू गो टू दीज इस्लामिक क्लासेस ऑल्सो व्हेन आई वॉज लाइक 13-14 years old, एंड आई यूज टू पार्टिसिपेट इन सूरा कॉम्पिटिशंस एंड हिफ्स करना एंड एवरीथिंग, यू नो, जैसे रमजान में कुरान खानी होती है, उसमें शिया में भी होती है, ठीक है। ओके, सो आई यूज टू डिफेंड ऑल माई लाइफ अपटिल आई वुड से लास्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो हुआ ये कि डिफेंड करते करते, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मजहब, एंड यू नो मैं शिया मौलाना को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना, एक जज्बाए मोहब्बत आता है दिल में, स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली, कि कितने पायस है, कितने यू नो ये है आइडियल मैन, और ये एक आइडियल वुमेन है उनकी बीवी, रसूल खुदा की बेटी, राइट। तो ये सब मेरे ऐसे यू नो रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम, ऑन इस्लाम प्रिसाइसली। ओके, बट आई टेल यू वेरी क्लियरली कि सिंस द टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू एंड एडम, एंड आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप आल्सो, लाइक मेरा जो बॉयफ्रेंड है ही इज अ हिंदू, ओके, ही इज अ कंप्लीट 100% सनातनी, नॉट द ये जो हिंदू हिंदू बोलते वैसे नहीं, लाइक द प्रॉपर सनातन धर्म जो वेदास को फॉलो करते हैं एवरीथिंग, ही इज दैट, ओके। सो but he you know poor guy never tried to defend me or never tried to you know contradict me in any of my beliefs, whereas jabhi bhi mujhe mauka milta to main you know I used to jump on him defending ki you know tumhara theek nahi hai mera theek hai, halanki main khud itni koi practicing muslim and you know I know everything, but just that I don't you know recite proper namaz, matlab mera khichav bahut hai lekin main kar nahi pati kyunki mere thoughts aur bhi kuch cheezon ko leke, but since the time I have been listening to you, believe me, this has been the first muharram, like abhi bhi muharram chal raha hai, right, 21vi muharram ho gayi hai, kal 20va tha, right, and as you may be knowing ki shia logo mein muharram aur safar ka bahut value hai, jaise ramzan ko jaise बाकी यू नो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड मंथ्स ऑफ यू नो सॉरो, गम का महीना मानते हैं, राइट। सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है, ओके, आई मतलब जाके नहीं, बट यू नो ऑनलाइन, एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे, बिकॉज
जो कभी नहीं आए, एंड हाँ दे हैव बीन रियली बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू यू, अरे वाह स्पेशली एडम, स्पेशली बिकॉज ऑफ यू, बिलीव मी, एंड थ्रू यू मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला. मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू देयर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम ऑल्सो, और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए. ओके, रिगार्डिंग जबरदस्त। सनातन, प्रिसाइसली प्रिसाइसली रिगार्डिंग सनातन. एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म इन ऑल, इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन. मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है. एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा. प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी. डू यू नो अबाउट हिम? नहीं देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी, यस, यू शुड वॉच हिम. ओके, एंड यू शुड कोट व्हाट ही सेज. तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स. मतलब इसको अच्छा बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड प्लेसेस इन जर्मनी एंड एवरीवेयर, एंड ही इज गोइंग देयर एंड प्रीचिंग आउट शिया इस्लाम. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत यकीदा था उनपे, लाइक वॉट एवर ही इज सेइंग, यू नो, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग. बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक यू नो, ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days बैक हिज टॉपिक वॉज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रिसाइसली वॉट यू एंड एडम टॉक अबाउट इज द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, राइट? सो राइट आई कुड अंडरस्टैंड टू साइड्स ऑफ प्रॉफिट, वेर इन आप लोग जहां बात करते हो, यू ऑल टॉक विथ रेफरेंस, यू ऑल डोंट टॉक विथ स्टोरीज, बट नरेशंस फ्रॉम देयर ओन पीपल, कोटेड थ्रू हदीस एंड सही हदीस एंड एवरीथिंग. Whereas ये मौलाना है, ये लोग कोई, स्पेशली दिस आबिद बिलग्राम, यू नो, ही टॉक्स इन वन लाइनर्स एंड ही इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कोटेशंस. सो यू शुड रियली सी हिज सीरीज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज्यादा कॉन्टेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा. आई कुड जस्ट कॉन्ट्रडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू. सो यू जबरदस्त नो, हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये बोंगिया मार रहे हैं। आई वॉज एक्चुअली लाफिंग. आई वॉज, मैं सही में एक्चुअली आपको बताऊँ ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है. एंड यू नो, ये ही वॉज एक्चुअली जस्ट जम्पिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर. जैसे प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वॉज द आइडियल चाइल्ड, फिर जैसे ही वो एडल्टहुड में आए तो ही वॉज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट यू नो ही बर्नड पीपल, हाँ डग अ राइट होल एंड ही जस्ट बर्नड द पीपल, एंड अबाउट इमाम अली, इट इज सेड टू बी कि वो रात भर यू नो जागते थे एंड यतीमों को जाके खाना देते थे, राइट? तो यू नो, इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, राइट इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन. क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, तो आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना, इट शुड बी फॉर द सबके इंटायर लिए ह्यूमैनिटी, देन राइट एब्सोल्युटली एंड ओनली इट इज एन एट्रीब्यूट. एंड एंड इट कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीफ, इट शुड नेवर बी ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीफ। एक्चुअली इसमें देर शुड बी नो पार्शियलिटी, एग्जैक्टली राइट? इट शुड बी अ वेरी इंक्लूसिव थिंग, लाइक जिसमें शायद यू नो इट्स लाइक अ मल्टीवर्स, के इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी, इंसान, जानवर, परिंदे, एवरीथिंग एवरीथिंग, देन ओनली मैं आपको बोल सकती हूँ दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बींग. आई कैन पुट दैट एडजेक्टिव, दैट एट्रीब्यूट टूवर्ड्स यू, राइट? सही है। तो ओ माई गॉड, आई एम लाइक, आई कैन टेल यू, लाइक यू नो, नाउ ऑल्सो वेन आई टॉक अबाउट इट, बिलीव मी, आई एम लाइक शिवरिंग, यू नो. क्योंकि एक चीज होती है, आपका फेथ होता है, यू नो, जिसपे आप वो मोस्ट जब ऑफ योर लाइफ, मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली योर लाइफ आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन यू नो सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है, इट्स अ वेरी बिग हाँ होएक्स. वेरी ट्रू, बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को कि आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की
जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयाना सुनती थी। इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये इतना फॉलो थ्री जाती नहीं थी एज ए कर रही थी। पायरेसी. एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट टॉक, वही ओके, लाइक वी मैं हैव अ लॉट ऑफ मुंबई वाली लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन. में, लेकिन कहीं ना मुंबई कहीं वाली वो लैंग्वेज। मेरा हिडन एजेंडा, यू नो, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से, यू नो, प्लांटेड होता है कि हाँ, ये आपको कीड़ा। तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए, बट आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूँ तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही। होता है. लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात राइट मैंने कई राइट बार कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है, जो जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है। वो दोस्तों के साथ, बिल्कुल चार दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. राइट राइट ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट और अंदर, मेरा, वो यू अच्छा नो, मोमिन हो ये बुरा तो मेरा मोमिन हो। बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड. लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है, यू नो, कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल. एंड बिलीव मी, मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज यू नो वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी. आखिरत तो बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, यू नो, ऐसी, मतलब अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है. ठीक है, कोई बोलते 70, कोई ज्यादा उस पे, यू नो, वैल्यू वो दीदी ये कोई आयत ऐड नहीं। करने के लिए बोलते 70,000. ओके, तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है, लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, यू नो, ये हमेशा आते रहता है, तुमने ये किया अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे हैं, क्यों? बिल्कुल मतलब सही। क्यों, मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है, वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है, और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे, हाँ, वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लकद इंसान के खलकनल लिए इंसाना फी अहसनी तकवीम, अल्लाह कहता है। मतलब मैं अरबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट कोटिंग दैट, कि वो सही। ऐसा रब है, यू नो, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60% उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि आप आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो. जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली, यू दिमागी नो व्हाट अपंग है हैपेंड, लेकिन। मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ. मैं प्रिसाइसली, आई विल टेल यू प्रिसाइसली, आई विल मेक श्योर टू नेवर हैव फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स, बिलीव मी, अच्छा ना मैं उनके आसपास प्रिसाइसली। रहना पसंद करती हूँ, ना मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, और ना ही मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है, आई जस्ट डोंट लाइक द वे हाउ दे आर, और उनकी एक जो वाइब क्रिएट होती है, यू नो, वो कट्टरता की एक वाइब, मतलब वो देख के आपको दिख जाता है, यू नो, अगर मतलब समझो, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द हॉरर दैट आई हैव इन माई माइंड, ओके, और यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, यू नो, कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि, यू नो, कोई इंसान अपने ही कास्ट के लोगों से डर रहा है. हाँ वो नहीं समझ पाते ना, उनको सिर्फ जो
मूवीज में दिख रहा है या न्यूज पे दिख रहा है या आप जैसे चैनल जो बहुत कम है अभी के लिए, बट आई थिंक योर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वंस, लाइक द वंस विच रियली, मतलब यू कैन इमेजिन इफ आई एम बीइंग मी बीइंग अ पर्सन, यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई माइट बी. सो यू इमेजिन आई एम टॉकिंग टू यू ऑन योर चैनल, सो व्हाट हाँ, इफेक्ट इट हैज, डेफिनेटली इट हैज एन कैन आई इफेक्ट. इंटरप्ट यू या कैन श्योर आई श्योर इंटरप्ट यू अच्छा, ये जो आप कह रही थी ना कि जहरा जी के आप पसंद नहीं करती कि कोई आपका मुसलमान दोस्त हो, बी इट मेल और फीमेल, मैं यस आपको ये यस बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट ओनली यू. ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल. या अभी मैंने ये बात कई बार कही है कि हम जैसे लोगों को, जाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में नहीं रह सकते, तो कोशिश करनी राइट पड़ती है कि अब इतना कोई अमीर ज्यादा नहीं है कि किधर जो है ना लोनावला में एक मस्त बंगला बना के बैठे बराबर, स्विमिंग कोई पूल के. रिमोट तो और आइसोलेटेड एरिया में, करेक्ट, आई एग्री, यस, रहना वो तो तो कर इसी नहीं सकते. सोसाइटी में. अभी एक ऑप्शन है रेंट का. अच्छा, अभी उसमें क्या होता है कि मुस्लिम मेजोरिटी जगह पे तो रह नहीं सकते, ढूंढना पड़ता है ऐसा एरिया जहां पे ये नहीं हो. अब वहां पे लेकिन बिल्कुल वो हमारा नाम देख के, जैसा ही नाम देखते हैं कि ये मुस्लिम है, वो रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो अब वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको भी पता होता है, वो जैसा नाम सुनते ना वो उनका भी मूड खराब हो जाता है कि यार अच्छा खासा तुम जो. कंप्लीट कर लो ये बात एंड आई विल रिवील हाँ टू यू अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ठीक, हाँ आप हंसोगे तुम, बताना. बट यू कंप्लीट, आप कंप्लीट कर लो, हाँ, आप तो कंप्लीट अब कर वो लो. भी बेचारे रियल एस्टेट एजेंट भी बोलते हैं यार अच्छा खासा एक रेंट मिलता था, वो भी चले गया, कोई इसको देगा नहीं घर. अच्छा, लेकिन क्या होता है कि वो सोसाइटी में समझिए कि कोई मोमिन के भी घर है, तो एजेंट राइट बोलता है कि अच्छा ठीक है काम करते हैं, तो कुछ मोमिन लोग के भी घर है, मैं आपको वो दिला देता हूँ. ठीक है, लेकिन उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कई बार एजेंट लोग कि भाई अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मोमिन लोग के घर है, कई बार जो उनके ओनर्स होते हैं वो भी उनको बोल के रखते हैं कि भाई किसी को भी दे देना, लेकिन मोमिन किसी को मत मेरा घर देना. राइट 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 वो बोलते आई हैं कि एग्री, मोमिन को मत, मोमिन लोग खुद बोलते हैं कि हमारा घर मोमिन लोग को मत देना, मोमिन को मत कोई देना, किसी को भी दे और मोमिन देना चलेगा. लेकिन मुसलमान को मत देना. बहुत ऐसे एजुकेटेड मुसलमान हैं जिनके फ्लैट बहुत अच्छे, अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, और वो लोग कुछ बिल्डिंग की भी, मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ बिल्डिंग भी मतलब उनको ये एडवाइस करती है और वो खुद भी यही प्रैक्टिस करते हैं. राइट राइट वो खुद ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मत दो, क्योंकि उनको पता है कि इनको अगर दे दिए तो ये पूरे सोसाइटी का सत्यानाश कर देंगे. राइट वो खुद राइट नहीं आई चाहते कि एग्री, हमारे घर मोमिनों को मिले. तो आप इस दौड़ में अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिल जो मैं मुसलमान तुमको होते हुए मेरी खुद अपनी मुसलमानों को पसंद नहीं करते. पर्सनल लाइफ का एक लिविंग एग्जांपल बताती हूँ. ओके सो बेसिकली साहिल, माय फैमिली इज फ्रॉम अच्छा, एक्चुअली वी अगर ओरिजिन, 1 मिनट, आप बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लाइव है और आपको पता है राइट, कि लाखों लोग सुनते हैं, और हो सकता है कि आपका क्लिप हम अलग से भी चला के डालें, तो नो नो कोई भी प्रॉब्लम इसकी साहिल, आई वुड मोर देन हैप्पी कि लोग इस चीज पे भी आए कि ये एक चीज या ये एक सेक्ट की जो कमी थी यहाँ से भी कोई आके बोल रहा है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. हाँ. या तो नो हाँ, प्रॉब्लम, बी केयरफुल, ओनली शेयर दोज डिटेल्स व्हिच विल नॉट लीव या यू इन एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम. नॉट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट वरी, आई एम सेफ बाय ऑल मीन्स एंड एंड्स. या तो ठीक है, गो एक्चुअली अहेड. बात या बात ये साहिल, कि एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनेशन है, एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम केरला, लाइक माय फैमिली इज बेस्ड फ्रॉम केरला, बट माई मॉम गॉट मैरिड इन बॉम्बे टू माई फादर, ही वॉज फ्रॉम मुंबई, एंड देन उनकी जिंदगी वैसी चली, ठीक है. तो अभी भी मतलब मेरी फैमिली पूरी बेस्ड, दे आर बेस्ड इन मुंबई. ओके बट क्योंकि जैसे मुझे मेरी लाइफ अपने अकॉर्डिंग्स में जीनी थी, एंड एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट हूँ मेरी मेरे घर में, ठीक है. और मेरे घर वाले काफी इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, मतलब वो अपने मजे लेते हैं मजलिसों में, नमाजों में, जियारतों पे, लेकिन इतनी कभी रोक टोक मेरे लिए लगाई नहीं, बिकॉज आई हैव बीन लाइक दे रियली बॉट मी अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर. ओके सो दे ऑलवेज लेट मी डू माई ओन थिंग, राइट. तो आफ्टर माई एजुकेशन एंड आई गॉट अ जॉब एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लिव ऑन माई ओन, तो उन्होंने मुझे जाने भी दिया, ठीक है. नाउ यू लिसन टू मी, जब मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी खुद के लिए, ओके आई टेल यू, तो जैसे आपने ये बात की कि जब इंसान फर्स्ट टाइम यू नो आपकी जब जॉब स्टार्ट होने वाली है, एंड एक्चुअली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपकी फैमिली आपको उतना सपोर्ट करे, नो मैटर हाउ वेल ऑफ फैमिली से आप आते हो या कुछ भी हो, ठीक है.
क्योंकि एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, राइट? तो एक्चुअली हुआ ये था कि ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years back, ओके? ओके इट्स बीन 4 years, फोर एंड हाफ ईयर्स फॉर मी. आई स्टार्टेड लिविंग ऑन माई ओन. तो जब मैं घर तलाश करने के लिए निकली, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि यू नो सराउंडिंग एरियाज जो अच्छे हैं, बांद्रा, अंधेरी, अप टिल गोरेगांव, मलाड, यहाँ पे रेंट काफी होता है. टाउन तो आप भूल ही जाओ, राइट? हाँ राइट टाउन तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज टाउन मोस्टली तो पॉपुलेटेड यू नो दोज मोहम्मद अली रोड एंड भाईखला एंड डोंगरी, ये तो दीज आर द मोस्ट शिटीएस्ट प्लेसेस, राइट? वो तो पूरा एक समझ जाओ आप एक कल्ट है, राइट? मतलब वो तो पूरा आप समझ जाओ कि वहां पे आप गए तो खत्म हो आप, मतलब, ठीक है? तो यू मतलब आपको सांस लेने की जगह नहीं है यार वहां पे. और वो जो इंसान मेरे जैसा इंसान, तो वो इतने मुसलमान वाले माहौल में रह के घुटी जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे रहती थी विद माय फैमिली, तो वो एक बहुत मतलब इट वाज लाइक ऑल कम्युनिटी, ऑल टाइप्स ऑफ हिंदू, क्रिश्चियंस, इवन ज्यूज, ओके? वहां पे ऐसा कोई ये नहीं था, बहुत लिबरल लोग थे. इट वॉज अ वेरी गुड सोसाइटी, हाई एंड. तो बेसिकली ये हुआ क्या, था मतलब वहां पे भी एक मुसलमान वाला माहौल है, आई विल टेल, जहां से गुजरना पड़ता है वो पूरा मुस्लिम एरिया है, एंड देन हमारी बिल्डिंग आती है, ओके? तो मुझे बचपन से, लाइक मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब से बहुत सफोकेट होता था, क्योंकि आपको पता होगा ये मियाँ भाई के लड़के कैसे होते हैं, स्पेशली दीज लड्डू सुन्नीस, है ना? इनका यू नो ये 14-15 साल के 7th 8th फेल हो जाते हैं, और इनके माँ बाप इनको निकाल देते, फिर ये बाइकों पे बाहर बैठते हैं. इनका यही फुल काम होता है, लड़कियों चक्का को छेड़ो, ठीक है? इनका यही काम होता है, लड़कियों को छेड़ो, उसके पीछा मार करो, स्कूल तक पीछा करो, घर तक के। पीछा करो, बस देखते रहो, ताड़ते रहो बेसिकली, ओके? एंड ये होता था, एंड मुझे बहुत एक्चुअली अनकंफर्टेबल लगता था यू नो वो माहौल में. और जब मुझे चांस मिला कि मैं यहाँ से मूव आउट करूँ, ठीक है, तो मैंने घर की तलाश स्टार्ट की. एंड बिलीव मी साहिल, मुझे ऑप्ट करना पड़ा नवी मुंबई साइड, ओके? क्योंकि वहां पे ही मतलब अच्छे अपार्टमेंट्स है जो कम रेंट में मिल जाते हैं. मतलब जो चीज आपको वहां पे 15,000 में मिल जाएगी नवी मुंबई, वो सेम चीज आपको बॉम्बे साइड 30,000 में मिलेगी, वो भी इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, राइट? जैसे वहां पे मतलब वो लोग ने अभी 100-150 साल वाली प्लानिंग की है नवी मुंबई में, तो वहां पे बिग बैल्कनी एंड एवरीथिंग. सो यू नो व्हेन यू गेट योर ओन प्लेस, आपको बैल्कनी चाहिए एंड एवरीथिंग, यू नो यू नीड स्पेस. तो बिलीव मी साहिल, मैंने ब्रोकर्स के साथ में घर देखना स्टार्ट किया, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ द वे हाउ आई लुक, मेरे में जरा भी कोई मुस्लिम अपियरेंस नहीं है. जैसे आप देखते होगे कि मुसलमान औरत में कैसे वो एक मुसलमान है, वो एकदम एक स्ट्रांगली वो उसके फीचर्स बोलते, या तो बुरखा है तो वो सही। तो डेफिनेटली है, ठीक है? लेकिन बुरखा नहीं भी होना तो उसके अलावा एक अजीब सी एक कुछ होता है, ठीक हाँ है, कि आपको पता चलता है कि ये लड़की औरत ये मुसलमान है, ठीक है? मुसलती तो है। वो हाँ चीज, हाँ वो चीज मेरे में से कभी आई नहीं, ठीक है? अच्छा, तो आप जब ब्रोकर्स मुसलती नहीं में, लगती हो। हाँ ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं तुमको सीरियसली बोली तो कोई भी मुझे देख के बोलता था कि ये कैथलिक है, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या कि आई लव टैटूज एंड एवरीथिंग, ओके? सो आई हैव अ लॉट ऑफ टैटूज, ओके, स्पेशली ऑन माय अरे फिंगर्स एंड हैंड्स, ठीक है? हाँ जिसके लिए मतलब मेरे घर वाले, ठीक है, उन्होंने मतलब काफी इसके लिए रिवोल्ट किया था मेरे अगेंस्ट कि ये हराम है, ये है, वो है. मैं आपको इसकी भी एक बात बताऊंगी, एंड आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑल्सो, विच इज वेरी ओके इंटरेस्टिंग, ओके? जो मुझे अभी अभी पता चली है. ओके तो मेरे घर वालों ने लाइक बहुत मेरे खिलाफ अगेंस्ट बहुत बोला, ये हराम है, एंड यू नो लेजर करवा दे, इस्लाम से बेदखल हो गई, ये हो गई, काफिर हो गई, एंड ऑल दैट बुलशिट, ओके? एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, जो है होएगा, थोड़े टाइम में मैं इसका लेजर करवा दूंगी, मरने से पहले मैं निकाल दूंगी ताकि यू नो मेरा गुसल हो जाए, एंड ऑल दैट, ओके? हाँ ऐसा मेरे दिमाग में भी था, ओके? बट या सो सॉरी यार, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, बट यू कोई नहीं। नो इट्स लाइक कितनी सारी बातें हैं, एंड एक के बाद हाँ तो एक, घर लाइक का क्या हुआ? घर का बता रही थी, प्रिसाइसली आप घर का बता रही थी। प्रिसाइसली देखो, मैं घर जब देखने गई ना, आई विल टेल यू, जब घर देखने के लिए मैं गई ना साहिल, तो ब्रोकर से जब मिल रही थी, तो ब्रोकर्स मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स दिखा रहे थे ना, बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं, एंड देवर लाइक हाँ मैडम ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब उनको मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? और हुआ ये कि एक फ्लैट मैंने डन कर लिया, ठीक है, नवी मुंबई, ओके? एंड इट वॉज नियर दिस पाम पाम बीच रोड, ठीक है? पूरा बता नहीं, घर का। मैं
प्रिसाइसली अरे आप अपने घर सारे, का एड्रेस बता दोगी ऐसा लग रहा है अरे मैं मुझे। नहीं बताऊंगी यार, मैं आई एम अच्छा जस्ट टेलिंग यू, आई डोंट लिव देयर, आई एम टेलिंग आई यू, एम लिसन मोर टू मी, वरीड अबाउट यू देन यू आर नाउ। डोंट वरी, आई टोल्ड यू आई एम प्रोटेक्टेड बाय ऑल मीन्स, नॉट टू वरी, ठीक है। तो ओके लेट बेसिकली हाँ, तो हुआ क्या पता है क्या, ये सब डन हो गया। हाँ, एंड ही इज लाइक, मैडम आप आज है ना 4 बजे इतना इतना एडवांस लेके आप आ जाओ, ओनर के साथ में मैंने आपकी मीटिंग सेट कर दिया। होता है ना, वो ओनर आपसे मिलना तो चाहता है, ओनर राइट बुलाया जाता है फ्लैट में, आपको ओनर बताएगा फ्लैट का क्या क्या है। सो हम गए ओनर के साथ, ओनर कौन था, जैन, ओके, हिंदू जैन था वो, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक, हाँ बहुत अच्छे है मैडम ये वो, पैसे भी ले लिए। फिर ब्रोकर ने बोला, अच्छा मैडम आपको जरा मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स देके जाना, आपका आधार कार्ड और मेरे को आपका एक फोटो दे दो, मैं अग्रीमेंट आज ही बनाने के लिए डाल देता हूँ, 2 दिन में अग्रीमेंट हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी कर लेंगे एंड ऑल द प्रोसेस। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं लाइए वो आधार कार्ड। तो हम लोग गए जेरोक्स करवाने के लिए, ठीक है। एंड जैसे ही ब्रोकर ने वो हाथ में लिया, ब्रोकर हिंदू था, उसने बोला, अरे मैडम आप मुसलमान हैं, बताया नहीं एक्चुअली आपने। मेरा नाम, एक्चुअली मेरा नाम जो है जहरा, तो मोस्टली जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो जारा बोल देते हैं, ठीक है। तो जारा जो नाम है वो बहुत पंजाबी में, कॉमन है। सिंधी में भी हाँ ये रहता है नाम जारा, एक्चुअली आजकल कैथलिक में भी ये नाम रखते हैं, इट्स अ हाँ वेरी हाँ कॉमन। कॉमन हो गया। तो हाँ उनको लगा जारा जारा, तो और मुझे भी आदत है सुनने की कि मैं जब जहरा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं जारा जारा, तो यू नो इट्स लाइक दैट। उसने बोला, अरे मैडम आप मुसलमान हो, मतलब उसने मेरा सरनेम देख के पता लगाया, ठीक है, और जो आधार कार्ड पे मेरी फोटो है साहिल, वो एक स्काफ में है, क्योंकि आधार कार्ड अरे तो तभी, आधार कार्ड तो तभी जब मैं 11-12 साल की थी तभी हुआ था, राइट। तो बेसिकली तभी तो मैं खुद भी स्काफ और हिजाब, नामहरम मुझे नहीं देखना चाहिए, नामहरम की नजर अगर मुझ पे पड़ी तो ये गुनाह मुझ पे है, यू नो ये सब ख्यालात मेरे भी थे, बिलीव मी। एंड देन उसने देख लिया, पहले तो फोटो देखा और फिर नाम का सरनेम देखा, एंड ही वाज लाइक, मैडम आप मोमेडियन है। मैंने बोला हाँ, ये तो आपको नहीं मिल सकता है, ये क्या। उसने बोला आपको यहाँ पे किधर भी नहीं मिल सकता, पूरे पाम बीच रोड पे आपको पर्सनली देख के निकालना पड़ेगा खुद से, कि अगर कोई मुसलमान ओनर है वो आपको पर्सनली देना चाहता है तो ही आपको अपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आप भूल जाइए, क्योंकि साहिल इफ यू नो दैट नवी मुंबई मोस्टली इट्स अ हिंदू पॉपुलेटेड एरिया, राइट हाँ वाशी एंड ऑल दीज नहीं, प्लेसेस, राइट। उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे आपको ये जैसा आप मुस्लिम्स मिल जाएंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम एरियाज में। मिलेंगे लेकिन साहिल, लेकिन आपको कहाँ पे मिलेंगे पता है, वापस, मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो आप एसोसिएटेड हो रहने के लिए गंदी, वो गंदे एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे खिड़कियों पे वो चिंदिया लटकाई जाती है, हड्डियां खा के डायरेक्ट वो खड्डे, और हड्डियां खा के डायरेक्ट वो खिड़कियों से बाहर फेंके जाते हैं, ठीक है, वो खिड़की के नीचे आपको गटर दिखेगी, तो आपको वहां रहना है, ठीक है, जहाँ पे हाँ एक बड़ी रूम बड़ी किचन है, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे एक रूम किचन है, आई एम डिस्क्राइबिंग इट टू यू ना, एक रूम किचन है, वहां पे पूरा पर्दा लगा धोती के बोल माँ रही बाप है। भी सो रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ भी सो रहे हैं, और 4 बच्चे भी सो रहे हैं, और एक पेट में भी है, एक आने वाला है, ठीक है। तो आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसे एरिया में रहने के लिए, ठीक है, विच इज हाँ राइट कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय पर्सन लाइक मी, लाइक पर्सनली मैं बता रही हूँ, ठीक है, और बहुत भी लोग होंगे मेरे जैसे, बट पर्सनली आई नेवर वॉन्टेड टू लिव लाइक दैट। ये एरियाज मैं आपको बता रही हूँ, लाइक खारगर, तलोजा साइड है ना, ये वो साइड के एरियाज हो गए, बट आप प्राइम एरियाज जैसे वाशी का हो गया, सेक्टर नंबर 17, पाम बीच रोड, आपको यहाँ पे तो आपकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, आपको ओल्ड पनवेल यहाँ पे जाना पड़ेगा, हाँ ओके। सो बेसिकली ये इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस था साजिल, आई कांट टेल यू। मिला एंड के नहीं देन मिला फिर घर आपको उधर। नहीं मिला साहिल, यू नो व्हाट, नहीं मिला। एंड साहिल द वेरी रीजन, यू नो आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र ओनली, बट आई एम लिविंग इन अ अच्छा डिफरेंट सिटी, कैन यू अरे इमेजिन, रे 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 जगह ही छोड़ के मुझे एक जानी पड़ी अलग आपको। सिटी में रहना पड़ रहा है जो एक प्राइम एरिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे ऐसा ठीक है, आप, आपकी औकात है इतना रेंट भरने की, इतना सिक्योरिटी अमाउंट भरने की, तो आप आओ रहो, और इसमें भी शोर शराबा, मतलब यहाँ पे एक अलग फंडा है, लाइक यू नो डोंट मेक नॉइज एंड डोंट पार्टी लाउड एंड ऑल दैट, यहाँ पे रिलीजन वाला कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऐसा कोई कल्चर रहा नहीं कि वैसे वाले मियाँ भाई आए और रहे, क्योंकि वो नहीं रह पाते इस माहौल में, ये माहौल सही। बहुत अलग है, गॉट इट। तो आई हैड टू चूज दिस प्लेस, इमेजिन ऑल द वे लाइक 3 to 4 hours फ्रॉम माई मॉम्स प्लेस, एंड यू नो आई एम लिविंग सो फार, क्योंकि मतलब यार, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो
मैं नहीं उसको झेल सकती, आई कांट बेयर द साइट ऑफ यू नो मुस्लिम, अगर मेरे को वो टोपी वाले बंदे दिख भी जाए, बिलीव मी इट रियली सफोकेट्स मी, इट सफोकेट्स मी। यार तो ये जहरा जी ने प्रिसाइसली आज पूरी बैंड बजा दी, पूरे धोती खोल दी है। बट वी आर हैप्पी जहरा जी कि आप इस जंजाल से और इस पूरे माहौल से आप निकल चुकी है एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ विथ योर पार्टनर। बिल्कुल यू आर बिल्कुल नो, हैप्पी, आई एम वी नॉट आर लिविंग हैप्पी। विद माय पार्टनर, वी लिव एट ईच अदर्स रिस्पेक्टिव प्लेसेस, बट या आई एम इन टच, लाइक आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय हु इज अ सनातनी आई वुड से, लेकिन बिलीव मी यू नो साहिल, मतलब इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, क्वालिटीज जो मैंने देखी है प्रिसाइसली इन सनातनी, क्योंकि अपना जो इंडिया है मोस्टली तो इट इज पॉपुलेटेड बाय सनातन, लाइक ये तो कल्चर है हमारा, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं राइट। बहुत हंस रही थी इस बात पे भी साहिल, व्हेन दिस पर्सन कॉल्ड सूफी, ही सूफी और आई डोंट नो समवन एल्स हु सेड कि हाँ हाँ मैं सोफी, अपना प्रोजेनी दिखा सकता हूँ, कि हो सकता है हम मुसलमान, अरे पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रोजेनी हो ही नहीं सकती कि वो किसी मुसलमान से ही आए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, इट्स सही नॉट बात है। पॉसिबल, हर मुसलमान इंडिया का कन्वर्टेड ही है, दिस इज एज अ फैक्ट, इट्स नॉट पॉसिबल ऑन साइंटिफिक बेसिस, मिस्टिक बेसिस, एनी बेसिस यू से एनी। सही है यार। सो मैं कहूंगा कि जहरा जी के लिए प्रिसाइसली आप लोगों ने एक एक गुलाब का फूल, दो दो भी बेच सकते हैं और पूरा गुलदस्ता भी बेच सकते हैं, लेकिन आपने एकदम प्रिसाइसली गुलाब का ही फूल भेजा है। दूसरा फूल भेजेंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। इतनी जबरदस्त है हमारी जहरा जी, और बड़े जबरदस्त तरीके से, और लालच साहिल की भी भाई एंट्री हुई। वो मुझे जरा थोड़ा प्रिसाइसली सा, आपने एकदम प्रिसाइस टाइम पे एंट्री मारी एडन साहब। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे अभी अभी मैं बीच में बड़ा गायब हो गया, मिस हो गया आपके फ्लावर से, पहले वाली सारी बातें नहीं सुनी, तो मुझे रिवाइंड करके बताएं क्या इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया या चक्कर क्या है, मुझे थोड़ा सा समरी देने दो लाइनों की। जाने दीजिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों ने सुन लिया, देख लिया, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी धोती खोल दी है। अरे यार मैं मौजूद नहीं था बोला। यार, आई एम सो सॉरी यार, आई हैड टू गो एट अ वेरी रॉन्ग टाइम, मुझे अब रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा, दैट्स जस्ट सो बैड। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत बहुत जबरदस्त बोला उन्होंने। बट साहिल और मैंने बीच में आपको बोला कि मुझे एक बताना आपको वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस मौलाना कॉल्ड अम्मार नक्शवानी, डू यू नो नहीं अबाउट ये दिस? भी माने नहीं चे है, फुल होता। चे है। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप ये बताएं, आप जब शिया थीं तो हाँ आप खुमैनी को मानती थीं या सिस्तानी को मानती थीं? सिस्तानी, सिस्तानी अच्छा मैंने देखा कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो है ना वो सिस्तानी को मानते हैं, इसकी वजह क्या है? खुमैनी की वजह सिस्तानी को ज्यादा क्यों मानते इंडिया हैं? में ज्यादातर लोग सिस्तानी को मानते, एक्चुअली उनको भी मैं प्रिसाइसली बोलू एडम, मुझे खुद को भी नहीं पता कि यू नो व्हाट सिस्तानी इज सेइंग, इट वाज जस्ट लाइक वो मुहर्रम में जाते थे तो सिस्तानी के बैनर्स लगते थे कि इमाम हुसैन पे ऐसे रो, और खुमानी खुमैनी बोलते हैं कि खून मत निकालो, वो बोलते खून निकालो, तो जो इमाम हुसैन के ऊपर मतलब ये जो ये पूरा ये लोग करते हैं यू नो लाइक दे बीट देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग, हूएवर इज इन फेवर ऑफ दैट, बेसिकली मुझे ये लगता है वो लोग ईरान के वो आयतुल्ला को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ये है ना इन द शिया सेक्ट, कि अगर किसी ने भी जो एतराज उठा रहा है कि इमाम हुसैन पे आप जंजीर जनी मत करो, कमा खानी मत करो, ठीक है, और अपने आप को मत पीटो, और वो कोयले पे जलते हुए कोयले पे मत चलो, सो दे यू नो अपोज दैट पर्सन, कि ये इंसान काफिर है और ये बुक्स बकरा है एंड ऑल दैट, इंटरेस्टिंग एक्चुअली इनका इंटरेस्टिंग। प्लॉट ये है टू अपोज एनी आयतुल्ला, अगर आप देखोगे ना किसी मौलाना को भी अगर कोई शिया अपोज करेगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड वन मोर थिंग, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई भी बहुत सॉफ्टली खिलाफत की यू नो अप्रूव कर रहा है, जो अगर ये भी बोल रहा है ना कि उमर और अबू बकर और उस्मान को लानत मत भेजो, तो इनको भी अपोज करते हैं, लेकिन वो मौलाना को भी अपोज, खुमैनी ने ये चीज अपोज तो नहीं की कि लानत ना भेजो, वो तो खुद नहीं लानत नहीं भेज रहा है। खुमैनी ने नहीं की, ही इज एन आयतुल्ला, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मौलाना इन ऑल यू नो जो मजलिस पढ़ते हैं, कुछ है जिस जिन्होंने तकलीद का भी ये उठाया हुआ है फ्लैग बेयरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। यानी कि इन रियलिटी सस्तानी की किताब किसी ने नहीं पढ़ी हुई इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली किसी ने भी नहीं, अरे नाइनटी आई एम नाइन टेलिंग यू परसेंट किसी ने भी नहीं, अरे आई एम टेलिंग यू लीव सिस्तानी अलोन, ये जो नहजुल बलागा को मानते हैं, और देयर इज दिस बुक कॉल्ड अल काफी, ठीक है, अल काफी। यस इसको राइट, दिस इज अ शिया आई थिंक मोस्टली वो शिया की ही बुक है,
तो जिसको ये लोग कोट भी करते, बेसिकली नहजुल बलागा विच हैज ऑल द सेंस ऑफ इमाम अली अबाउट खुतबात है, एक, खुतबात है उनके, खुतबात है मस्जिदुल हाँ मतलब खुतबात वो में। कैसे उनके खुतबात है और सीखे हैं उनकी, मतलब कैसे लास्ट में वो बता रहे हैं कि कैसे एक इंसान को जीना चाहिए एंड ऑल दैट, कुछ दुआ है, अफिलिएशंस है, तो ये लोग तो खुद वो भी नहीं पढ़ते यार। तो इसका मतलब है कि मैं तो ज्यादा बड़ा शिया हुआ कि मैंने पूरी नजर बुलागा पढ़ ली हुई है। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली, वो शियों से बड़ा कोट तो मैं खुद करते शिया हैं हुआ है। नहजुल बलागा एंड यू नो, बट रियली दे डोंट, मतलब नहीं पढ़ते सीरियसली। अरे मैं आप ये एक बात बताऊं, इनफैक्ट फिर भी ना सुन्नी अहले सुन्नत हनफी एंड ऑल द अदर सेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट दिस शिया, शिया तो फिर भी तर्जुमा में भी नहीं जाते कुरान के, दे नेवर गेट इन टू द ट्रांसलेशन। मोर ओवर अगर आप कभी भी देखोगे जो हाफिजुल कुरान होते हैं विद द ट्रांसलेशन, वो आपको गैर शिया लोग ही मिलेंगे मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत कम होती है। दे मोस्टली गेट इन टू द स्टोरीज ऑफ द 12 इमाम्स एंड द स्टोरीज ऑफ द True. प्रॉफिट्स, दे True. गेट इन टू True. दैट। दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच इज वेरी नोटिसेबल। अच्छा ठीक है, ना, आगे आई हैव अ टेल क्वेश्चन। मी अबाउट। व्हाइल यू वर शिया राइट, एंड यू यूज्ड टू गो टू, मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ पागल हो गए। जब आप शिया थीं और मजलिस वगैरह में जाती होंगी आप राइट। राइट अच्छा मुझे बात बताएं, कभी आपके जहन में सवाल आया कि अली को शेरे खुदा कहते हैं, ठीक है, शमशीरे राइट, खुदा कहते हैं, शेरे खुदा कहते हैं, मासूम कहते हैं, अरे ये मुहर्रम में तो बहुत जोर से बोलते हैं ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान पक्की अल्लाह, पक्की सी आती इसी हमारी इसी के इसी के पैदा। ऊपर बुलंदतर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरे स्ट्रीम में चाहे, एक मिनट है ना, पूरे स्ट्रीम में चाहे साजिद कुछ ना बोले, लेकिन अगर जब तू ये आवाज निकालता है ना नारे की, ये इसका मुंह ऑटोमेटिकली चलने लगता है साजिद भाई का। सलावात में बहुत मजा आती है, जो आले मोहम्मद लास्ट का है ना, ये सुनना। लाला जी बोलिए। आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावात, हाँ मजलिस में ये ऐसे ही बोलते हैं, अल्लाहुम्मा ऐसे सल्ली ही बोलते अला हैं। मोहम्मदी वाले मोहम्मद ऐसे। अजल फरज। अजर अल्लाह फरज। अच्छा तो या ये सेफ खुदा, ये असद खुदा एंड ऑल दैट, एंड सडनली जिस वक्त अबू बकर ने उठा ली हुकूमत, तो ये सैफ टूट कैसे गई, ये तलवार कैसे टूट गई, ये शेर बिल्ली कैसे बन गया, लाइक हाउ डिड दैट हैपन कि एक बंदा जी वो चाहता तो 100 बंदों को इकट्ठा ही मार देता है, मैदान बिल्कुल में कूदता बिल्कुल, है तो वो उस पे जंगे चढ़ते बदर हैं ना। और ये सारी जंगों का मतलब ये रेफरेंस दिया जाता है कि इमाम ने जी कैसे खंडक का दरवाजा उखाड़ लिया था अली ने, राइट ऑल दैट खैबर का, सुनना। नॉट खैबर खंदक का, नहीं खैबर का, खैबर खंदक सॉरी में हुआ। खैबर, जंगे हाँ, खैबर, लाइक राइट लाइक राइट व्हेन इट कम टू द राइट मोमेंट, जिस या वक्त जरूरत थी कि जो मोहम्मद कह के गया गदीर के मौके पे, मन कुंतु मोला फहादा नियन मोला, और अली मौला। वो मोला 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 करते करते वो बिगी बिल्ली कैसे बन गया, हाउ डिड दैट हैपन, लाइक ये बात मेरे को आज हाँ तक समझ तो नहीं आ सकती। आई टेल यू व्हाट, इसके बारे में ना क्या बताया जाता है, व्हेन यू एक्चुअली ये शिया की भी इस्लामिक क्लासेस होती है, ओके ये इनके भी काफी अभी इंस्टीट्यूशंस खुल गए फ्रॉम द पास्ट 10 इयर्स, वेर इन दे आर एजुकेटिंग देयर ओन पीपल। तो बेसिकली इसमें ये बताया जाता है विदाउट एनी रेफरेंस कि इमाम अली वॉज सच अ पायस पर्सन कि उन्होंने जहरा जी खिलाफत की नहीं आवाज ली। चली गई। नहीं, यही पे, हेलो यही पे, यही पे। आई एम साहिब, लिसनिंग। आपका हमारी आवाज, नेटवर्क, साहिल साहब आपकी आपका नेटवर्क नेटवर्क खराब है यार, स्टेटमेंट खराब कर देते हैं आप नेटवर्क खराब करके। जी जरा बताइए। या तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि इमाम अली कितने बुलंद तरीन, यू नो ही वॉज सच अ बिग इमाम कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे खिलाफत, मुझे यू नो हुकूमत मिलेगी, उस पर लात मार के ही वॉज जस्ट डूइंग हिज ओन वर्क एंड ही डिडंट गेट इन टू द मतलब बाइगोन्स भी लेट बाइगोन्स भी बाइगोन्स, मतलब इन्होंने उमर अबू बकर और उस्मान ने, ये तीनों ने अपने लिए एक क्वांटिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल जमा की और इन्होंने इन पे बैत की, बट इमाम अली वॉज डूइंग हिज वर्क एंड ही नेवर गॉट इन टू ऑल दैट एंड ही No, एक्सेप्टेड दैट ही विल बी द फोर्थ खलीफा। he won't be the whole Khalifa. Like, he never accepted that. Come on, that's ही BS. नेवर No. एक्सेप्टेड, बट दिस इज व्हाट दे से, दिस इज द No, no, रेफरेंस no. दैट दे अभी गिव अभी टू नहीं, यहाँ सुन्नी पे एंड द मेरा अदर पीपल व्हाई दे आर कोटिंग हिम एज द फोर्थ खलीफा। Now, let me answer you that. Now, the problem is not this. Problem is this के एक गंदे हुक्मरान के सामने, जिसके ऊपर आप लानत भेज रही है ना, आप अबू बकर के ऊपर लानत भेजती हैं एज अ शिया, लानतुल्लाह राइट अली राइट अबू बकर राइट, अबू बकर तो उमर और उस्मान पे लानत। हाँ, राइट बेशक राइट, सो राइट दे वर बैड खलीफ्स, दे वर बैड हुकमरान राइट। राइट या
लेकिन एक बात मैं नोटिस करने की एडम, इनको बैड भी सिया लोग क्यों बोलते हैं, आई जस्ट कंक्लूड, या इनको बैड क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि इन्होंने इमाम का हक खाया रसूलुल्लाह की, अली का कुरान भी तो चलाया ना, बिल्कुल ने अली का लिखा हुआ कुरान भी चलाया, ये अलकाफी के अंदर लिखा हुआ राइट। अच्छा नाउ नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कि जालिम हुक्मरान के सामने आवाज कह भी देना जिहाद है, और ये सबसे कम दर्जे का जिहाद है। जो टॉप नॉट जिहाद है, जो कि एक मुसलमान को सही ताकत वाला मुसलमान जाहिर करता है, वो तलवार वाला जिहाद है, क्योंकि वो हम्प ऑफ द कैमल है। ये तो आपके शिया कुतुब में भी लिखा हुआ है। कंसीडरिंग दैट ही वाज सो ब्रेव, और उनकी जब तलवार चलती थी तो सब भाग जाते थे दूर दूर। थैंक यू सो मच। सो अली ने ये टॉप नॉट जिहाद उस वक्त नहीं किया, क्या वो इमाम के ईमान के नॉट इमाम ईमान के कमजोर तरीन दर्जे के ऊपर था? वाज ही इन द लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान इन द फेथ के वो जालिम हुक्मरानों के सामने खड़ा भी नहीं हो सका, आवाज भी नहीं दे सका, तलवार उठाना दूर की बात। Like, why? ये बहुत contradicting है Adam actually, because this is the actual thing which you are narrating. लेकिन जो शिया बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये बोलता है कि इमाम अली ने चुप रह के अपनी फजीलत बयान की एज ए ह्यूमन बींग, के मतलब वो रसूल अल्लाह के दीन को ये चुप जिहाद का नाम किसने इस्लाम में निकाला है, चुप जिहाद? Seriously, I'm telling you. Seriously, क्योंकि अगर I don't know, मैंने काफी शिया लोग को यहाँ पे सुना नहीं है, आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, बट ये बहुत contradicting है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये मौलाना लोग खुद नहीं बताते, दे जस्ट कस अबू बकर उस्मान एंड उमर और इनके खिलाफत के पीरियड को कस करते हैं कि ये लोगों ने रसूल खुदा की बेटी पे इतना जुल्म किया, और उमर और अबू बकर ने वो जलता हुआ दरवाजा यू नो बागे फिदक हाँ, वाला जो जलता हुआ दरवाजा लगा दिया हजूर की बेटी को, जब उसको आना पड़ा अपने बच्चों के साथ दरबारे उमर में आना पड़ा अपना हक मांगने के लिए। मोस्ट आइडियल वुमेन, मतलब जितनी भी पांच या चार औरतें हैं जो बहुत यू नो एक इस पे है इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, शी इज द मोस्ट यू मतलब शी इज टॉपिंग इवन हर मदर बीबी खतीजतुल कुबरा, ओके, सो हाउ इज दैट पॉसिबल दैट जस्ट फॉर अ पीस ऑफ लैंड और अ गार्डन शी जस्ट वेंट एंड यू नो उन्होंने अपना एक मुतालबा किया एंड यू नो शी वॉज फाइटिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग, वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग। बट शी हैड टू ना, शी हैड टू बिकॉज द फैक्ट इज कि वो बेचारी गरीब हो गई थी ना, वही उसके पास पैसे नहीं थे, उसको पैसे चाहिए थे, एंड शी हैड नो मनी। ये शिया मौलाना ये बोलते हैं कि व्हाट अबू बकर सेड इज दैट प्रॉफिट सेड कि हमारा ऐसा कोई वारिस होता नहीं है, ठीक है, और हमारी कोई जो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सारी चीजें मेरे अंडर है, इसके बाद में इसका कोई भी चीज किसी को जाना, क्योंकि हमारा कोई वारिस नहीं है, तो बेसिकली हमारे को जो भी पैसे है जमीन और जायदाद है ये किसी को नहीं जा सकती। दो चीजें पाकिस्तान से यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मौलाना कॉल्ड अल्लामा नासिर अब्बास, ओ माय गॉड, वो उसको उसकी 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 बात भी देखे ना, उसने दूसरी तकरीर में ये भी किया हुआ है कि एक चीज होती है खुम्स, राइट, खुम्स खुम्स जो है और मालिफे, ठीक है, मालिफे मोहम्मद के जमाने में भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का था मालिफे, और बागे फिदक जो है वो एज ए मालिफे आया था, वो माले गनीमत नहीं आया था, बिकॉज वो लड़ाई जिसके ऊपर घोड़े नहीं ना दौड़ाए गए, कुरान की आयत भी आई है ना कि वो माल जिसपे घोड़े नहीं दौड़ाए गए और तुम्हें तोहफे में मिला वो मालिफे है, और मालिफे जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, उसको फातिमा को मिला नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। एक अली जो है वो अपनी ही खानदान का जायज हक नहीं ले सका, लेट अलोन अपने खानदान का, अली वाज नॉट प्रेजेंट आउट देयर देन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ही वाज नॉट देयर, नहीं नहीं उसको पहले होना चाहिए था ना भाई, फातिमा को कोर्ट ऑफ लॉ में जाना नहीं चाहिए था ना, अली को जाना चाहिए था, व्हाई डिड फातिमा गो देयर, अली को हक लेना चाहिए था, वो भीगी बिल्लियों की तरह घर में बैठा रहा, फातिमा को जाना पड़ा क्यों?
राइट राइट एंड यू लाला नो जी सिर्फ घर में फिर नहीं बैठे रह गए, वो उन्होंने बयत भी की अबू बकर की भी, उमर की भी। सुन्नी कुतुब में है ना जी, शियों में भी हो शायद हो लिखा है, बयत नहीं ना की थी, नहीं की बैत थी एज इन ही वाज लाइक इन पीस, ही वाज लाइक इन पीस के ही आप वाज इन अपना पीस, फैलाओ। बैत नहीं की जाके, उसके हाथ पे बैत नहीं दी, एक्सेप्टेंस नहीं दिया, बस वो बैठा रहा, बोला नहीं कुछ। राइट राइट लेकिन ये कितना कॉन्ट्रडिक्टिंग है दैट शी वेंट ऑल अलोन विद द टू किड्स और वेयर एज इन रसूल खुदा लाइक द प्रॉफिट की बेटी के बारे में ये हदीसे हैं एंड यू नो दे से सो लाउडली कि जब बीबी निकलती थी तो तब यू नो इमाम अली उनके फुटस्टेप्स भी मतलब मिटा देते थे ताकि वो आसमान का भी साया उस पे ना पड़ पाए। ओके हाय हाय। कहते हैं ना फिर जितना मदीना के हाउ शी बाजारों में, वेंट हर ऑल अलोन इन द कोर्ट ऑफ लॉ अमंगस्ट ऑल द अदर मेन जो भी एग्जैक्टली, अबू और फिर बकर। मदीना के बाजारों में और कोर्ट में उसको जलील होने दिया और खुद गया नहीं उसके साथ। अच्छा चलो, ये हो गया अली के अपने घर के बारे में। अब अली का जो कुरान है वो मिरातुल अकूल के अंदर, मिरातुल अकूल जो कि शियों की बहुत बड़ी किताब है, मिरातुल अकूल के अंदर लिखा जाता है, इलामा अल मजलिसी लिखते हैं वॉल्यूम नंबर 12 के अंदर सफा नंबर 525 के अंदर, कि कुरान जो आया था वो 17,000 आयतों के साथ आया था और अली का कुरान जो था उसमें 17,000 आयतें थी, वो उस्मान ने जला दिया। तो अली जो है वो कुरान की भी हिफाजत नहीं कर सका, राइट लेकिन इसके कुरान बारे की में भी हिफाजत नहीं कर बोलते सका। थे कहीं पे उन्होंने छुपा के कुछ रख दिया था लाइक दीस आर जस्ट थिंग्स विदाउट एनी कोटेशन व्हिच आई एम टेलिंग यू। ये जो मजलिसों में बयान करते हैं जिसपे नारे हैदरी और ये सब लगता है ना तो ये वो सारी बातें हैं। ये खुद अपनी मतलब दे डोंट कोट नरेशंस फ्रॉम देयर ओन बुक्स आल्सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लाइक फॉरगेट ऑल द अदर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम बट ये अपनी खुद की नरेशन को कोट नहीं कर पाते मतलब बस जो सिलेक्टिव है शेख अल तूसी मजलिसी ये इनकी जो चुनिंदा बातें हैं यू नो जो खुद को मतलब तो ये मजलिसी नहीं तो लिखा है, शेख अल मजलिसी एग्जैक्टली ने ही लिखा है ना, और उसने इसको ऑथेंटिक भी कहा, सही भी कहा है कि कुरान 17,000 आयतों के साथ आया था, अली का कुरान 17,000 आयतों में, इस वक्त 6,000 आयतें हैं, 1/3 रह गया, बाकी सारा तो मर गया। राइट राइट बहुत लाइक रियली एडम आई शुड टेल यू मैंने साहिल को भी बोला एक्चुअली ये मुहर्रम में देयर वाज अ सीरीज बाय आबिद बिलग्रामी गोइंग ऑन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट इट वाज अ वेरी बिग मॉकरी मतलब जो वो आदमी ने किया है ओके इट्स सच अ बिग मॉकरी एंड पीपल आर टेकिंग इट लाइक यू नो मैनिपुलेशन ऑफ सम वेरी अदर लेवल वन वन लाइनर्स देके वो मतलब इतना जोर जोर से बोल रहा है हमारा रसूल रहमतुल आलमीन था जब वो नूरे खुदा में था तब से वो प्रॉफिट था ओके एंड यू नो ही सेइंग सच थिंग्स एंड लोगों का जोश एक अलग ही आ रहा है एंड यू नो दे आर लाइक यस बट हार्डली डूइंग एनीथिंग गुड इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम एक अग्रेशन लेवल को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन शिया उलमा में कुछ अगर अच्छी बयान करते हैं तो तालिब जौहरी साहब हैं दीदी, सुना है आपने उनको? यार तालिब जौहरी पाकिस्तानी है मेरे ख्याल में, वो पारग है, इतना इतना भी अच्छा नहीं कुरान से बात करता है। उसको सुना मैं, मैंने नहीं सर, उसकी कुरान की तफसीर भी बड़ी अपनी मर्जी की है। तालब जोहरी ने एक जमाने में बताया था कि बिस्मिल्लाह के बे में अली है, वो मैंने मस्जिद सुनी थी, वो बिस्मिल्लाह के बे में जो बे में जो उसने अली बनाया था ना ये तो बहुत बड़ी ये तो चीज यू नो जस्ट टू ग्लोरीफाई इमाम अली ये लोग बोलते हैं अल्लाह की आंखें एनुल नहीं अली की आंखें एनुल्ला अल्लाह के अली के हाथ समथिंग समथिंग मतलब ये यू नो यदुल्ला हाँ ये ऐसे बोलते हैं तो मतलब ये कितना बड़ा शिर्क इन इट सेल्फ है बिकॉज आप ये डिस्क्राइब करते हो द बेसिस ऑफ इस्लाम की वो अल्लाह है जिसके ना हाथ है ना पैर है ना आंख है उसने ना कभी किसी से पैदा हुआ ना किसी को कर सकता है तो आप ये उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स आप एक क्रिएशन से कैसे लाइक हाउ कैन यू मतलब ये आपके पूरे बेसिस पे पूरा इट्स लाइक अ बिग वैक्स। यार आप बड़ी अच्छी हम शिया हैं, आप आती रहा करें हमारे चैनल पे, लेकिन एक एक शिया इमाम को मैं सुन रहा था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की थी, साहिल आपके सुनने वाली भी है। साहिल आपको याद है सूरह बकरा की आयत नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ आता है जालिकल किताब ला रही बफी राइट। जालिका का मतलब होता है डैट, वो बुक। अब वो बुक जो है वो कुरान तो है नहीं, क्योंकि कुरान अगर लिख रहा है वो किताब तो वो कुरान नहीं हो सकती, कुरान को लिखना पड़ेगा हाजल किताब ला रही बफी ये किताब राइट। उस शिया इमाम ने इसको कहा था जालिकल किताब, ये अली के बारे में बात हो रही है क्योंकि अली जो है वो बताते खुद एक किताब है, तो अल्लाह ने कुरान में अली का जिक्र किया हुआ है, जालिकल किताब उसमें हदायत है, यानी कि वो किताब जो कि अली है उसमें हदायत है। अच्छा ये इतनी बोंगिया मारते हैं ना ये भाई एक एक स्टेटमेंट पे एक एक वर्ड पे, जो ऐसा
घुमा फिरा के उसको या तो हुसैन के साथ या तो अली के साथ ऐसा जोड़ते ना, कभी कभी देख के मैं खुद चकरा जाता हूँ भाई। ये इनके जो जाकिर हजरत होते हैं, वो जो पाकिस्तान में जिसको नहीं टपका दिए थे, बड़ा बवाल मचा था उसके टपकने पे। कौन था उसका नाम क्या था? अल्लामा नासिर अब्बास। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई उसके बयान गाड़ी में गोलियों से मारा था ना। नोहे पढ़ता था, उसको मारा था, काफी मरे थे, वो मोटा था एक्चुअली। अल्लामा नासिर अब्बास को तो शूट करने का यही रीजन था दैट ही यूज्ड टू स्पीक अ लॉट ऑफ शिट अबाउट अबू बकर उमर और उस्मान, बहुत बहुत ज्यादा बोलता था वो। जबरदस्त हो गया मेरी जिंदगी है तो काफी सारी चीजें जहरा जी ने आज शिया के ताल्लुक से, अहले तशय्यो के ताल्लुक से काफी सारी चीजें बताई है। एक बात बोलूं मैं अबाउट शिया, लाइक ऑन अ वेरी जनरल बेसिस, आई जस्ट टेल यू, यू नो, अपार्ट फ्रॉम, मतलब आई हैव बीन विद अदर सेक्ट्स, मतलब आई हैव नोन पीपल फ्रॉम अदर सेक्ट्स आल्सो इन इस्लाम, लेकिन एक बात इनकी ये है कि ये फिर भी इतने अग्रेसिव नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम इन द टाइम्स ऑफ मुहर्रम एंड ऑल, यू नो, या हुसैन। मैं आपको इसका आंसर देता हूं, ये अग्रेसिव इसलिए नहीं होते कि माइनॉरिटी में है। इस्लाम में कोई भी सेक्ट जब भी माइनॉरिटी में होगा वो एग्रेसिव नहीं होगा। आपने अगर एग्रेसिवनेस देखनी है तो आप जाएं ईरान में देखें। आपको पता है ईरान में सबसे ज्यादा अपोस्टेसी रेट क्यों आया? ये जो इन्होंने 40 साल में इमाम खुमैनी के जो वो आया था रिवॉल्ट आया था, और पिछले 40 साल में जो इन्होंने इस्लाम को नाफिज किया एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, और दुनिया को इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बाकी चीजें नजर आ रही है, तो ईरान में उन्हें लग पता गया जब औरतों के मुदा हुए, लड़कियों के मुता पे मुता हो रहे थे और उनको जलील किया जा रहा था। ईरान हैज द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड चर्च इन द वर्ल्ड। क्यों लोग अपोस्टेट हो रहे हैं? क्यों होना हुए वो लड़कियां अपोस्टेट? देखिए द होल आइडिया इंडिया में ना काफी समझने की कोशिश करें। पॉज करें यहाँ पे, ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये मसला इस्लाम का है। इस्लाम के जो दौर हैं, जो कुरान के जरिए सिखाए जाते हैं कि जब आप कमजोर हो तो नरम हो जाओ, जब ताकत में हो तो सख्त हो जाओ, ये वो चीज है। इट हैज नथिंग, बिकॉज आप माइनॉरिटी में इंडिया के अंदर। नॉट एट ऑल, आई एम माइनॉरिटी में, आई एम नॉट एट ऑल, आई नो यू आर नॉट डिफेंडिंग। मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ जो समझते हैं कि शिया जो है वो बड़े पोलाइट है, उनको भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स नॉन मुस्लिम भी बैठे हैं ना, वो आपकी बात को सुन के ये ना समझे कि यार शिया अच्छे हैं, शिया मासूम है, नहीं, 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 नहीं। माइनॉरिटी में है इस वजह से। हम बिलीफ और फेथ की बात कर रहे हैं तो उनका भी बिलीफ और फेथ इट्स अ कंप्लीटली बिग इट्स शिट, आई मीन रियली इट्स रियली शिट, क्योंकि जो कुरान है ये कुरान का ट्रांसलेशन ही नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मुझे तो सिर्फ रटाया गया है कुरान, यू नो, लाइक एट द एज ऑफ 7 or 8 आई कंप्लीटेड रीडिंग द कुरान, बट आई हार्डली न्यू एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, एंड आई सॉ दैट इन माय कम्युनिटी दैट देयर आर पीपल हु हार्डली नो अबाउट यू नो व्हाट इट इज बीइंग सेड एंड जस्ट गेटिंग इनटू द स्टोरीज ऑफ द 12 इमाम्स एंड वेटिंग फॉर द 12th इमाम कि आपको उनकी सेना में शामिल होना है, आपको ऐसा होना है, अल्लाह के जबर और कहर से डरो। इट्स जस्ट अबाउट दैट, मुहर्रम आ गया, सफर आ गया, मातम करो, मजलिसे करो एंड दावते करो, लोगों को खाना खिलाओ, इट्स जस्ट अबाउट दैट। और जब ताकत में देखते हैं तो इराक में देखो, ताकत में देखते हैं तो ईरान में देखो, वहां पे पता लगेगा शिया इस्लाम क्या कर रहा है। लेकिन वहां पे बहुत अलग शिया ये होता है प्रैक्टिस, नहीं वहां पे अलग नहीं होता, आपके पास अलग हो रहा है, माइनॉरिटी में हो इंडिया में, इस वजह से आपको लग रहा अलग हो रहा है, रियलिटी में वो वाला इस्लाम है। इफ आई टेल यू तो ये नहजुल बलागा या अल काफी में देयर इज दिस होल चैप्टर अबाउट मुता, लेकिन अब अगर आप किसी भी जैसे नॉर्मल लोगों से मुता के बारे में बात करो सो दे विल से इट्स हराम, वेयर एज ऊपर से खुतबा नंबर 27 सारा लड़ाई के बारे में, जिहाद फाइटिंग के बारे में, आप खुतबा नंबर 27 नहीं पढ़ते नहजुल बलागा का, पढ़ के देख लो, ठीक है। बात यह की नहजुल बलागा आपके पास आपने पढ़ना नहीं, खुतबा नंबर 33 खुतबा नंबर 33 जो है वो एक कुफारों को खत्म कर दो, तबाह बर्बाद कर दो,
ये देखिए, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त भेजा कि जब अरबों में कोई किताब नहीं था, ना कोई नबूवत था, आपने इन लोगों को सही मकाम पे उतारा, निजात की मतलब बचाया, यहाँ तक कि इनके सारे खम जाते रहे, यानी कि उनके बैंड खत्म कर दिए, उनको तीर वर का सीधा करता, ठीक है। हालात मोहकम सवाल, खुदा की कसम मैं भी इन लोगों में से था जो सूरत इंकलाब होती, अली अपने बारे में लग रहा है। और जब तक के इनकलाब मुकम्मल हो गया और अल्लाह के नाम कमजोरी बुजदली से काम नहीं लिया गया, और मेरे भी कदम वैसे ही मकसद के लिए जो सहल बातिल को चीर कर काट कर हक को इसके पहलू से निकाल कर कमर से जहां पर काटा निकाल लिया, मुझे कुरैशों की वजह निजाह रही, खुदा की कसम मैं इनसे जंग की जबकि वो काफिर थे, और अब भी जंग करूंगा जब तक बातिल खत्म नहीं हो जाएगा जिसके बरगाने में वो आ चुके हुए हैं। तो भाई खत्म करना है बातिल, यानी कुफारों को खत्म करना है, ये खुतबा नंबर 33 है ना जो बुलाने का, यही देखना है बस। आप मुझे कह रहे हैं कि शियों की तुम में नहीं, ये खुतबा नंबर 33 है ना जो बुलाने का, जिसकी आप बार बार नाम लेते हैं। आप मैं बताऊं कि किस किस जगह पे आप पढ़ेंगे कि आपको पता लगेगा, खुतबा नंबर 78 वो कहता है औरतें स्टूपिड है, ए औरतें तुम लोग ईमान में नाकस हो, खुतबा नंबर 78 नजर बलागा, तुम लोग ईमान में नाकिस हो, हिस्सों में नाकिस अकल हो, नाकिस होती हो, नुक्से ईमान का सबूत भी है कि अय्याम में दौड़ में नमाज रोजा नहीं छोड़ना। की बात है द कुरान इटसेल्फ, ये जो औरत को एक आदमी से डिस्क्रिमिनेट करता है, और ये एक बुक लगती है कि जो हक में है सिर्फ एक आदमी के जीने में और एक औरत के मरने में जीते जी, ठीक है। नेजुल बलागा तो आप बहुत दूर चले गए, बट रियली आई टेल यू वेरी क्लियरली कि मेरा जो अटेंशन ड्रॉ किया आपकी तरफ और साहिल की तरफ वो स्टार्ट हुआ एक्चुअली फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ लॉन्डीबाजी इन इस्लाम। लेकिन बात यह कि आज तक बहुत मुझे कोई शिया प्रॉपर मिला नहीं जिससे गपशप हो सके, और आपसे लाइव में गपशप करके मुझे बहुत मजा आया, क्वाइट फ्रैंकली। इट्स द सेम स्टुपिडिटी, it's the same idioticity, the only thing is ki shia chuke tadad mein kam hai lihaza lagte hain ki soft hai, jaise ki zyada hogi. I am not trying to create a difference, Adam, you should understand me. What I'm trying to say is ye jo present situation abhi India mein bani hai, actually Sahil will also probably, he might agree to what I'm trying to say, कि ये जो आप एक अग्रेसिवनेस देखते हो, यस आई अग्री कि ये माइनॉरिटी के वजह से भी है, लेकिन यहाँ पे एक और एक फैक्टर है कि अभी आजकल 10-15 साल में जो मैं देख रही हूँ, that a lot of Shia people are also getting converted into ex-Muslims. This is what I'm trying to convey. Are you understanding? You are the first one, yaar. Koi lao, yaar, baakiyon ko bhi. I'm, matlab, yaar, ye, and they don't come, like, you know, wo nahi aana chahte. I believe, I don't know any. Really, I don't know any. Or this is for the very first time that I'm talking, you know, online, you know, live about all this. लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये था कि फिर भी एक आप एजुकेशन में ले लो, फ्यूचरिस्टिक करियर ओरिएंटेड ले लो, तो फिर भी ये शियाज़म में, शिया लोगों में ये चीज अभी 10-15 साल में आ गई है कि दे आर नॉट गिविंग अ फक अबाउट दीज मौलानाज एंड द मजलिसेस एंड ऑल दैट, दे आर जस्ट बीइंग करियर ओरिएंटेड, दे आर एजुकेटिंग देमसेल्व्स, लिविंग अ गुड लाइफ, हैविंग अ गुड होम एंड यू नो हैविंग अ गुड लाइफ बेसिकली। और इस प्रोसेस में वो कब इस्लाम और ये शियाज़म को पीछे छोड़ देते, जैसे मैं खुद अपनी पर्सनल बात करूँ एडम, सो आई रियली डोंट नो कि यू नो व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम आई विजिटेड टू सम दरगाह और एनी महफिल, और मैं कब कोई कब्रिस्तान में जाके मैंने सूरह फातिहा किया, या कब मैं काले कपड़े पहन के मजलिस में चले गई, व्हेन आई डिड द लास्ट मातम, लाइक इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग माई ओन पर्सनल लाइफ आई हैव फॉरगॉटन देयर समथिंग कॉल्ड यू नो somewhere I belong to. I definitely believe in the power of creator and there is some super supernatural power or a universal power head, definitely. I'm not an atheist, I'll be very clear in that. But I'm finding, like, what is that? That is definitely not Allah. That I can say with 100% Alhamdulillah, guarantee. As soon as you say that is definitely not Allah, thank you so very much, that I'm with you. Definitely, it can be Allah also, by the name, I'm saying. No, listen to me, let me complete. By the name, can be one of the names. Wala shaitana illa shaitan. Let me complete. But the attributes which are associated to this source of Allah, that is completely wrong. वो बिल्कुल, वो एक क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स कभी नहीं हो सकते यार। फ्लावर वापस करो। नो 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 सी यू आर व्हाट आई
No, that's a joke. I understand what you're trying to yeah. say. Yes. You know, I'm trying to say just that Om is a thing. Okay. It's an energy. It's a kind of frequency. Okay. So Om, it's a name. So likewise, Allah also can be a name. Lekin jo uske attributes bataye gaye, wo Al-Rahimo hai, Al-Jabbaro hai, Al-Rahmano hai, and Al-Adlo hai, and all that. Okay. कोई ताकत है जो इस दुनिया को चला रहा है पर वो अल्लाह नहीं हो सकता, कन्फर्मली अल्लाह नहीं हो सकता, ये तो आपका फर्म बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह नहीं। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स है जो इस्लामिकली बताया गया है, जो प्रॉफिट ने बताया है, ठीक है, कि वो आता है मोहम्मद वाला अल्लाह जो है वो गॉड नहीं है, फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट वाला बात नहीं है, मोहम्मद वाला अल्लाह गॉड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स सेइंग्स एंड उनको क्या आके बोलते थे जिब्राइल, वो तो नहीं है, डेफिनेटली वो नहीं है, क्योंकि एक क्रिएटर इतना ज्यादा यार गुस्से और ये सब नहीं हो सकता है। वाला वाला जो बातें बतलाई थी, तो मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैं भाव नहीं देता, लेकिन आज मैंने उनको जवाब दिया व्हाट्सएप पर, उन्होंने मुझे मैसेज किया और एक क्लिप भेजी थी, कहा था कि जरा जी को सुना दीजिएगा, वो आपके पेशे खिदमत है सामने, ये देखें। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उन्होंने स्पेशली कहा था कि बतला दीजिएगा, उनको भेज दीजिए। ओके ओके, दिस इज अख्तर, सम अख्तर, मौलाना अख्तर, जमीर अख्तर। अरे इसकी तो बहुत खिल्लियां उड़ती है यहाँ पे, ये भी पाकिस्तानी है इफ आई एम नॉट। अरे चल चल बस है मौलाना वो। हाँ ये चल बस है, लेकिन इनकी मीम्स ही कितनी बनी हुई है, ये पागल है ये। वहां पे पाकिस्तान में भी इनको कितने डिबेट्स में बुलाया, ये उठ के भाग जाते थे उमर और उस्मान के नाम पे। इन्होंने दावा किया था कि जिन्नातों की इन्होंने मजलिस 3 दफा पढ़ी है, जिन्नातों की मजलिस में। और एक वाकया ये बताते हैं छोटा सा, कि मौला अली ने एक हाथ लिया था और ऐसे लगा करके पता नहीं क्या पढ़ा, जुड़ गया। उसने सिर्फ मौला अली से पूछा कि आपने क्या पढ़ा कि जुड़ गया, फौरन कट के आधा अलग हो गया हाथ। साहिल ये तो मौला अली की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी मौला अली के रिगार्डिंग लाइक एक पूरा एक रिलीजन है सूफिज्म, राइट, जो मतलब घूमते रहते हैं अली का नाम लेके, यू मस्ट बी नोइंग राइट, कि मतलब अली कलंदर, अली बादशाह, ये भी एक है, गोल घूम घूम के। हाँ हाँ हाँ, अली 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 करते, मतलब देखो ये ज्यादा, ये बहुत ये गाने भी निकालते हैं और मतलब बहुत म्यूजिकल टाइप का इनका एक रिलीजन है, नमाज वगैरह ज्यादा नहीं होती इनमें, लेकिन ये सिर्फ अली 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 करते, इनको शायद नुसैरी बोलते हैं, आई थिंक सो, नुसैरिया। हाँ तो बेसिकली ये तो इनका हो गया, बट व्हाट आई एम सेइंग साहिल, इफ यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि ये साल मोहर्रम की एक मजलिस है, आबिद बिलग्रामी द वेरी फेमस मौलाना, जो मुंबई में द वेरी फेमस केसर बाग, लाइक ये ऐसा है ना इनका पूरा एक इज्तिमा जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, ओके, पूरी दुनिया के शिया देखते ही है ये, 9 बजे प्राइम टाइम पे 10 बजे आता है, 1 घंटे के लिए लोग देखते ही है, मतलब इनका सबसे बड़ा एक जमावड़ा लगता है वहीं पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन्होंने एक पढ़ा है ऑन द प्रॉफिट, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, व्हिच आई टोल्ड यू दैट इज डन इन गुलिस्ताने हिंद, ओके। फाक्साइल वो इट्स सच अ बिग मॉकरी ऑफ द प्रॉफिट, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को नॉलेज नहीं दे रहे, उनके और अगेंस्ट कर रहे, मतलब थोड़ा सा भी इंसान अगर लॉजिकल थिंकिंग लगा, यू नो व्हाट ही हैज सेड, कुछ लोगों ने बोला रसूल अल्लाह को आके कि आप प्रूफ करो कि आप अल्लाह के रसूल हो, तो चांद के 2 टुकड़े कर दो, तो मेरे रसूल ने हाथ लगाया, हाथ दिखाया चांद को, चांद 2 टुकड़े में हो गया, और फिर लोगों ने बोला चांद को जोड़ दो, तो मेरे रसूल ने वापस उंगली दिखाई, तो चांद ये हो गया, एंड पीपल आर लाइक अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सो इट्स लाइक यू नो सच अ बिग मॉकरी यार। राइट, एंड देन दे आर लाइक नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे क्या कर रहे हो। मैंने जो रहता फैलाया था वो मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है, क्या करें। नहीं जहरा जी से क्वेश्चन सुनने में आया था की एक फिरका है शियों में जो कहता है की गारे हिरा में नबी नहीं जाया करते थे बल्कि अली जाया करते थे, और नबी उनका खाना लेकर जाया करते थे, टिफिन लेकर के अली के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो नबी लेकर गए खाना और हजरत अली कहीं काम से चले गए, जिब्रील आए, उन्होंने समझा कि यही अली है और नबी को थमा के चले गए कुरान। अच्छा नहीं ये इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसका पता है, ये जो शब मेराज आती है
तभी बोलते हैं कि सब लोग वो आने वाले थे रसूल अल्लाह को मारने के लिए, तभी अल्लाह ने ऐलान कर दिए जिब्राइल को कि लेके आओ मेरे रसूल को और आज मैं उसको मेराज दूंगा और नमाज दूंगा, यू नो इन द गिफ्ट। तो तभी वो उन्होंने इमाम अली को अपने बिस्तर पे मतलब लिटा के आ गए थे। बहुत सारी बातें लिटाया था ना वो, शबे मेराज में नहीं, जब हिजरत हुई थी। नहीं नहीं, शबे मेराज में भी, शबे मेराज में भी, हिजरत में भी हुआ है, शबे मेराज में भी हुआ है। नहीं नहीं, आप गलती कर रही हैं, शबे मेराज में तो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे लेटे हुए थे, उम्मे हानी के घर से उड़ के चले गए थे वो। जो अबू तालिब बचपने से करते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि प्रॉफिट को लोग मार देंगे, तो जब सब सो जाते थे और अंधेरा हो जाता था तो फिर चुपके से इमाम अली को उठाते थे और प्रॉफिट के बेड पे डाल देते थे और प्रॉफिट को इमाम अली के बेड पे डाल देते थे ताकि वो दुश्मन अगर आके मारे भी तो अली को मारे। ये करते थे, ये अलग चीज है, वो हिजरत की बात है। और उसी में कहा था कुरान की आयत भी आई थी, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जब नबी निकले थे अपने हुजरे से अली को लिटा करके तो ये अपने मुट्ठी में खाक ली थी और काफिरों की तरफ फेंकी थी, तो खुदा कहता है वमा रमीता इज रमीता वलाकिन अल्लाह रमा, ए नबी आपने जो खाक फेंकी थी वो आपने नहीं। मतलब ये मौजजे जो बोलते हैं, ये उस दौर में ऐसे ऐसे मौजजे हो रहे थे कि पता नहीं, मतलब सूरज जब पता नहीं क्या हो रहा था, सूरज टूट जा रहा था, चांद टूट जा रहा था, तारा आके नबी के घर पे बोल रहा था, फरिश्ते आके भीख मांग रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी कुछ मोमिन लोग भी हैं तो ले लेते हैं, बाकी हम कहते हैं ज़हरा जिसे किसी दिन। बट साहिल, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग, मैं तुमको एक ये मौलाना के बारे में बताया अबाउट अम्मार नक्शवानी, लाइक आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम उसको सुनो और उसको पहले तो तुम देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मौलाना एक या डेढ़ साल पहले दिखे है, अम्मार नक्शवानी। ये ब्रिटिश, हाँ ही इज अ ब्रिटिशर, वो लंदन वगैरह यूके में ज्यादा ये करते हैं, ठीक है, बट अगर आप उसको देखो तो उसके पूरे हाथ वाथ पे टैटूज बने हुए हैं, ठीक है, क्या मजाक कर रहा है ऐसा, आई स्वेयर, तुम देखो वो ही इज रिसाइटिंग मजलिस, उस पे बैठ के वो पूरे टैटूज के हाथ पे बने हुए। सो एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, देखा आपने, हाँ बहुत गोरा सरीका एक है यार। सो जैसे मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई थी, यू नो लाइक मेरे घर वाले बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गए थे एंड अभी यू नो मैंने देखा ये तो मौलाना होके इसने टैटू बनाया है, ठीक है, तो उसका मैंने कोट, क्योंकि ऑफकोर्स इज अ मौलाना, उसने ये टैटू बनाया तो वो काफी पॉडकास्ट वगैरह, ही इज लाइक द मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ अ मौलाना, ओके, पहले चॉइस होगा पक्का एले चॉइस। तो पता नहीं वो ही सिंह के ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, इट्स लाइक आप आयत कुरान की आयत और जो भी हदीसे हैं आप ये मत लिखाओ आपकी बॉडी पे, इसके अलावा आपको जो टैटू बनाना है आप बना सकते हो, मतलब वो मकरू है, हराम नहीं है, ओके, और वो ऐसी बहुत हाँ कुछ तो भी नया मार्केट में लेके आया है, बहुत नया लेके आया, एंड द वे मतलब वो बहुत ज्यादा ना कुरान को कोट करता है, सो यू शुड लाइक रियली लिसन टू हिम, लाइक यू नो if at all kabhi you know as you are covering all the sects in islam basically islam all together and shia se matlab log kitne bhi baki ke sect bole ki shia musalman nahi hai, believe me you are talking to me, shia bhi musalman nahi hai, theek hai, so you should definitely cover on this aspect also kyunki you know ye bahut chal raha hai bhi, like it's in the trending, sahi hai, chaliye bahut bahut shukriya zahra ji, thank you so much sahil for taking me on call and really keep up with your work, like sahi mein एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि दिन में प्रिसाइसली कितने बार बोल लेती है आप? क्या बोल लेती हूँ मैं? प्रिसाइसली कितने बार बोल लेती है आप? प्रिसाइसली हो गॉड, अच्छा ठीक है, नहीं एक्चुअली आप जब से कम से कम मुझे लगता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम आपने पांच वन ऑफ द वर्ड्स जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती लाइक प्रिसाइस, क्योंकि ना आई लाइक टू बी वेरी प्रिसाइस, लाइक यू नो वेरी नोटिसेबल एंड वेरी लाइक on point about everything, that's why वो आप जितने बार बोल रही थी उससे पहले ही लोग समझ जा रहे थे, इधर चैट में चैट जिहाद चल रहा था कि अभी ज़हरा जी जो है वो precisely कहेंगी, oh god, actually I can't see the chats but definitely I'm going to go on it and see, but I hope सारे पहले कि ज़हरा दीदी के रहते हुए उनके मुताबिक कुछ सुपर चैट्स अगर आया तो वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना फिर ये सब मत, हाँ वो precisely वाले ही दिखेंगे, चलो ले लेते हैं precisely। एल मार्क्विना, थैंक यू सो वेरी मच, पबजी सनीदेव कह रहे हैं मोमिन एडम को रेडबुल पिलाए तो 100 हज का सवाब मिलेगा, थैंक यू सो वेरी मच पबजी सनीदेव भाई। शिव भाई कह रहे हैं इंडियंस को जो रिलीजन दे दो उसकी बाल की खाल निकाल देते हैं, अरबी ईरानी इसलिए चिड़े पड़े हैं, इतना गहराई से कौन पढ़ता है बे, कोई चीज तो सिंपल रहने दो, थैंक यू शिव भाई। शिव भाई ने बहुत चैट जिहाद किया है, मैं बाकी के कमेंट्स भी ले लेता हूँ। रीनर भाई कह रहे हैं जहरा क्या एक्सपोज किया तुमने,
सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि उनकी हैबिट्स, द प्लेस दे लिव, द वे दे बिहेव, द बैड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन, स्पेशली नॉन मुस्लिम वुमेन एंड टीनेज गर्ल्स. ये आपको अप्रिशिएट करें डिनर ऑप्टिमस भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्रेड द हिटमैन, थैंक यू सो वेरी मच. साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड कह रहे हैं यू आर एन एडम सीकर की ग्रेट ब्रिटेन होगा शायद जीबी कि टिकट का जुगाड़ प्रिसाइसली हो चुका है. यार प्रिसाइसली मैं भी वेट कर रहा हूँ साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड, थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर घूमने फिरने का, तो टिकट का जुगाड़ हो गया है तो प्रिसाइसली हम जरूर घूमेंगे. शिव भाई कह रहे थोड़ा थोड़े नारे और लगाओ दूसरे साइड से भी चंदा आना शुरू हो जाएगा. अभी तो फिलहाल शिव भाई आप ही ज्यादा एक्टिव लग रहे चंदा देने में. शगुन गुप्ता प्रिसाइसली दीदी का तकिया कलाम है, साहिल ने पकड़ लिया ये देखो. अभी मैं कल से नहीं बोल पाऊंगी प्रिसाइसली, आई विल बी लाइक सो सुपर कॉन्शियस. ये देखो नोमैड भाई कह रहे हैं डियर सिस्टर प्रिसाइस वेलकम टू ह्यूमैनिटी. ओह माय गॉड थैंक यू सो मच. वॉयजर भाई थैंक यू सो वेरी मच. और बुखारी जन्नत से जॉनी भाई कह रहे हैं बुखारी 7157 जियो मैन कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड रिवर्टेड बैक, मुआज सॉ हिम विद अबू मूसा एंड सेड आई विल नॉट सिट डाउन अनलेस यू किल हिम. बहुत अच्छा रेफरेंस आपने दिया है अपने प्यारे भाई, इसको हम वो जिस तरीके से धोखा देने की कोशिश, वैसा तो उसका धोखा पूरा सामने आ गया था सूफी का. एक मिनट देना मुझे. थैंक यू सो वेरी मच आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए. जॉन विक भाई कह रहे हैं एवरीवन प्लीज एक बार प्रिसाइसली बोलो. गॉड नो समझे अभी. एक्चुअली मैं आई वाज सो इनटू द कन्वर्सेशन साहिल के यू नो आई वाज जस्ट लाइक स्पीकिंग माय हार्ट आउट, दैट्स इट. यस एनोनिमस भाई वहां कमेंट में कर रहे हैं इनका नाम प्रिसाइस जहरा रख दो. या ओके एकेजी भाई कह रहे हैं विद 1800 का सुपर चैट मच इनफो ऑन हरसेल्फ. नहीं हमने उनको पहले ही वार्न कर दिया था दैट यू आर लाइव. नहीं नहीं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ये इनकी इतनी ये है नहीं टू कम टू मी. क्या बात है, दीदी ने सब बतला दिया था, दो ही चीजें रहने दी थी, एक अपना वेट और अपनी हाइट, बाकी सब तो बता ही दिया. टैटू का भी बता दिया. अच्छा वो ये नहीं बताया कि किधर किधर बनवाया है. सुनिया जी कह रहे हैं बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आता है प्रिसाइसली. सत्यन भाई कह रहे हैं साहिल भाई मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बुक से कुछ रेफरेंस भेजता हूँ, आप चौंक जाओगे. ही हैज प्रेस मोइनुद्दीन चिश्ती एंड इस्लाम. हाँ ठीक है लेकिन प्रेस करके क्या होगा जब आप खुद इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे हो. तो इस्लाम की भी काफी बातें कर सकते हैं हम, इट्स नॉट दैट के पूरा अपोज्ड ही रहता है, आइडियोलॉजी पे अपोजिशन है. मनीषा जी कह रही है शी हैज बीन एक्सीडिंगली ऑनेस्ट, रिफ्रेशिंग चेंज आफ्टर प्रीवियस कॉलर्स, विशिंग हर अ ग्रेट लाइफ. व्हाट्स हर टेक ऑन केरला स्टोरी? What's your take on Kerala story? Kerala story काफी नहीं बहुत हद तक सच है. Me like मेरा based ही Kerala से, as I told you my mom is from Kerala, तो वहाँ पे तो ये सारी हरकतें बेशक होती है जैसे movie में बताया गया. बहुत actually all over India हो रही है but it started from Kerala definitely. Gandu भाई कह रहे she is from SC USA, we talk like this, okay? SC USA क्या होता है? ऐसी कोई कंट्री है क्या, क्या है ये स्टेट है कोई? आई डोंट नो. पबजी सनी देओल दीदी थोड़ा और डिटेल्स बताओ, आपको आपका कंपनी नंबर दे दो. सबको लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स बता रही हैं, इसके लिए थोड़ा डर रहते लोग, फिकर कर रहे थे आपकी. भाई कह रहे हैं बिलीव मी प्रिसाइसली मेरे को दिन में नाइटमेयर्स आने वाले हैं. ओह गॉड साहिल मैंने प्रिसाइसली इतने बार बोल दिया है क्या? कल आप जो है ना इसको फिर से सुन लेना अपनी कॉन्वर्सेशन, तो आपको समझ में आएगा. ओके गैंडू भाई मेंबर बने थैंक यू सो वेरी मच विद गुलाब का फूल. शिव भाई कह रहे हैं भाई ये स्पीड 1.5 टाइम्स कैसे होगा? ये आपको जो है पहले फिर से पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं. वीरे खाले खीरे while studying in west the house owner asked my religion before handing over keys to me. He was a Pakistani Muslim and wasn't interested in Muslims kyunki unko bahut se logo ko pata hota hai ki yaar satyanash kar denge. John Ray bhai keh rahe hain bhai any update on channel unban in India? Sir abhi maine Yahoo support mein stream start hone se pehle chat kiya hai
और वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि ये रीजनल ब्लॉक है तो द टीम विल टेक टाइम एंड देयर इज नो व्हाट यू से देयर इज नो टाइमलाइन सो लेट्स वेट क्या होता है. मिस्टर डी के साहिल एक जेन्युइन सवाल, मोहम्मद साहब को 70 की एज की गिनती भी आती थी या नहीं? अरे भाई बहुत आगे थे हमारे रसूलुल्लाह. मोहित सिंह कह रहे हैं मैम सो व्हाई यू कंफ्यूज यू लीव दिस टाइप कल्ट. अबे इसमें अभी तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं है. अगर मेरा आप कन्वर्सेशन सुनो मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं. शिव भाई कह रहे हैं एडिटर भाई ये जारा जी के सारे एक्स्ट्रा प्रिसाइसली से कट कर देना. बिलीव मी वेर इन वेर एस जस्ट किडिंग. लोगों ने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली आपकी पूरी कॉन्वर्जेशन को. I hope actually the whole point was just to have a conversation with you matlab precisely aa gaya dekho fir se matlab clearly it was to just have a good talk with you and to appreciate your work kyunki really matlab agar mere jaise insaan ka dimag khul raha hai theek hai to aap samajh sakte ho ki aapka impact kitna hai matlab bahut sare aise log hai jo yahan pe aake nahi baat kar pate ठीक है. और बहुत ऐसा भी होता है कि आपका स्टूडियो एक्चुअली फुली रहता है बिकॉज़ आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू सिंस 2 to 3 weeks बट इट वाजंट पॉसिबल. आज पता नहीं लकीली इट वाज डिस्टाइंड टू बी सो इट जस्ट हैपेंड. लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत अच्छा है एंड यू डिड योर जॉब प्रिसाइसली. ओ माय गॉड सोमेर से डेवलपर थैंक यू सो वेरी मच. नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब 10 मिनट में 1500 टाइम प्रिसाइसली बोला है दीदी ने. नहीं नहीं इतना भी नहीं यार, 10 मिनट में 1500 वर्ड्स नहीं बोले होंगे प्रिसाइसली कहां से बोले. अरे वो मजाक कर रहे हैं लोग. वीरे खाले खीरे दे कैन किल बट यू कांट अब्यूज कॉमन पीपल राइट. ओके मेरे ख्याल से आप जब आई थी तभी से ये सारी चीजें जो है इतने सारे सुपर चैट थे और लेटेस्ट वाला कोई देखते हैं. AE Narcos bhai keh rahe hain why do Muslims have problem with languages as well. When I was in Bangalore one Muslim told me they only speak Hindi and don't want to learn Kannada. Bhai ab Hindi to waise bhi koi Musalmano ki language to hai nahi to I think uska khud ka personal koi issue hua hoga. Aur Bhushan bhai bada late padhare hain aaj with 5 membership gifting. Thank you so very much Bhushan bhai, bahut bahut shukriya aapka. Aur itne der se aap kahan the. The Devil भाई कह रहे हैं ये सुपर चैट सिर्फ प्रिसाइसली दे रहा हूं प्रिसाइसली मोमो के लिए. हेल प्रिसाइसली मोमो. थैंक यू द डेविल भाई. सो थैंक यू सो वेरी मच ज़हरा जी जुड़ने के लिए. थैंक्स अ लॉट साहिल एंड पार्ट जो है क्रॉप करके हम अलग से जरूर इसको अपलोड करेंगे सो दैट यू नो एवरीवन हु इज इनटू द शिया सेट कैन लिसन टू योर कन्वर्सेशन एंड योर थॉट्स. And it will be easy for them to understand ke bhai bilkul bilkul sahil actually agar unke dimag mein ek sawal ek khayal bhi aa gaya na to ye this is like a very big contribution to your work kyunki aapke jitne bhi lives hai ye sab sunke mere dimag mein sirf khayal aur sawal aate the aur unke koi jawab nahi aate the to this impact is really great and it should spread like wildfire. I really wish you the best in life and just be safe and keep continuing this great work really. Thank you so very much. Thanks for joining. Thank you. Thank you so much, Sahil. Good night. Bye.